नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो पर बात करेंगे फेसबुक रील्स को बूस्ट कैसे करें। जब आप अपने फेसबुक रील्स को पोस्ट करने जाते हो तो वहां बूस्ट रील का एक ऑप्शन मिलता है, या फिर अपने ही रील्स को ऐसे स्क्रॉल कर करके देखते हो तब भी आपको बूस्ट रील का एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो ये फेसबुक का बूस्ट रील क्या है, बूस्ट रील कैसे होता है और बूस्ट रील करने से क्या कुछ हमारे फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर बेनिफिट होगा, आज इस वीडियो पर आपको सब कुछ क्लियर करके बताऊंगा। फेसबुक पर रेगुलरली रील पोस्ट करते हो तो यह समझना आपको बेहद जरूरी है। वीडियो आखिर तक देखो। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मधुवन टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी कोशिश आपको वक्त के साथ सोशल मीडिया पर अपडेट रखने की होती है। दोस्तों फेसबुक पर आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप ऐसे रील्स देखते हो तब आपको स्पॉन्सर्ड रील दिखाई देती है या फिर पोस्ट भी आपको कई बार स्पॉन्सर्ड देखने को मिल जाती है। तो ये बूस्ट रील भी एक फेसबुक एड कैंपिंग का ही पार्ट है, यानी कि अगर आप अपने रील्स को बूस्ट कर देते हो तो फेसबुक जो आपका रील है वो वाइडर ऑडियंस के साथ शेयर करता है, उनको दिखा देता है एज अ स्पॉन्सर्ड रील करके, क्योंकि बूस्ट रील करने से एक आपका जो रील है वो फेसबुक एड कैंपिंग पर रन होता है। फेसबुक एड कैंपिंग एक एडवर्टाइजर का ही पार्ट है कि आप अपने किसी भी पेज को, किसी भी प्रोफाइल को, किसी भी रील को या फिर किसी भी पोस्ट को एड कैंपिंग पर रन करवा सकती हो। अब ये बूस्ट रील करते हो तो बूस्ट रील करने से आपका जो रील होगा वो फेसबुक एड कैंपिंग पर रन होगा। देन जो आपको कभी फॉलो नहीं किया है, आपके प्रोफाइल को कभी विजिट नहीं किया है, आपके पेज को कभी विजिट नहीं किया है, उनको भी एज अ स्पॉन्सर्ड रील आपका दिखाई देगा। तो ऐसे में आपके पेज या प्रोफाइल पर रीच बढ़ेगा, रीच बढ़ेगा तो फॉलोवर्स इंक्रीज होने का भी चांस बन जाता है। तो क्या रहेगा प्रोसेस, कैसे बूस्ट रील करना होता है, सब कुछ समझ लेते हैं। बट उससे पहले एक बात क्लियर कर दो कि फेसबुक एड कैंपिंग पर कोई भी आप एड रन करवाते हो अपने पेज या प्रोफाइल का, पोस्ट किया फिर रील का, तो वो फ्री में नहीं होता है। फेसबुक को आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, तभी फेसबुक आपको प्रमोट करता है, तभी आपका रील, आपका पोस्ट एज अ स्पॉन्सर दिखाता है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। जैसे कि ये मेरा एक रील है, मेरे सभी रील्स पर आपको बूस्ट रील देखने को मिलता होगा, आपके रील्स पर भी देखने को मिलता होगा। रील पोस्ट करते हो तब भी आपको बूस्ट रील देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल हम एक रील बूस्ट करने के यहाँ पर देखते हैं, तो बूस्ट रील पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर जो है बूस्ट पोस्ट का आपके पास एक ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सब कुछ प्रीव्यू देखने को मिलेगा, आपको यहाँ से अपने जो रील है उस पर एड रन करवाना होगा। क्या है पूरा प्रोसेस जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके समझ लेते हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया था, आपको स्पॉन्सर्ड रील देखने को मिलती है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखने को मिलती है। सेम इसी तरीके से आपका जो ये रील होगा वो कुछ किसी को अगर दिखाई देगा तो ऊपर ऐसे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ जाएगा, कुछ इस टाइप से ये प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको नीचे ये आपका पोस्ट का इंसर्ट रहेगा, अभी तक कितने व्यूज मिले हैं, क्या कुछ है। अब यहाँ आपको गोल सिलेक्ट करना होगा कि आपको क्या गोल चाहिए, मीन्स आपको ज्यादा मैसेजेस चाहिए, ज्यादा वीडियो पर व्यूज चाहिए, या फिर आप जो है इसके अंदर और भी कुछ एडिट कर सकते हो, कॉल्स वगैरह, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई बिजनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कॉल नंबर भी दे सकते हो। जिसको भी स्पॉन्सर दिखेगा उसको नीचे कॉल्स का बटन भी मिलेगा तो वो डायरेक्ट आपसे कॉल कर सकता है, बट वो बिजनेस यूजर्स के लिए होता है। हमें ज्यादा व्यूज चाहिए तो गेट मोर वीडियो व्यूज कर देते हैं। ओके, अब आप नीचे देखोगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वेलकम मैसेजेस, या जो ये क्रिएटिव है इसको आपको स्किप कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। और स्पेशल एड कैटेगरी, यहाँ से आपका कोई बिजनेस है तभी आप चूज करो, नहीं तो इसको आपको स्किप कर देना है, इसको इनेबल नहीं रखना है। ओके, अब ऑडियंस, यहाँ से आपको एज चूज करना बेहद जरूरी हो जाता है, कभी भी आपको ऑटोमेटिक एज नहीं रखना है, 18 से 30 ही चूज करना है। ओके, लोकेशन आप चूज कर सकते हो, मैंने जैसे कि इंडिया चूज कर रखा है, यहाँ से आप अपना आपका सिटी है वो भी लोकेशन लगा सकते हो। तो जो भी लोकेशन चूज करोगे उसके आसपास जितने भी फेसबुक यूजर होंगे सिर्फ उन्हीं को आपका जो ये रील होगा वो एज अ स्पॉन्सर दिखाई देगा, तो आप टारगेटेड ऑडियंस पर भी एड रन करवा सकते हो। ओके, मैं फिलहाल इंडिया ही चूज करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंज कर सकते हो। अब एड इंटरेस्ट पर चूज करके आप इंटरेस्ट भी चूज कर सकते हो, जैसे कि किस टाइप के इंटरेस्टेड यूजर्स को आपका रील दिखना चाहिए। तो जैसे कि मेरा टेक्निकल कैटेगरी है तो मैं टेक डाल सकता हूं, आपका कॉमेडी है, फनी है, एजुकेशन है, जिससे भी रिलेवेंट आपका रील है उससे रिलेवेंट आप यहाँ पर इंटरेस्ट चूज कर सकते हो। मीन्स ज्यादातर जो उसमें इंटरेस्ट रखने वाले व्यूअर होंगे फेसबुक उसी को टारगेट करके उसी को आपका स्पॉन्सर्ड पोस्ट दिखाएगा, तो वो आपके पेज या प्रोफाइल पर आ सकते हैं, कंटेंट पसंद आया उनको तो डेफिनेटली वो आपको फॉलो भी कर सकते हो। ओके, फिलहाल हम इसको स्किप कर दे रहे हैं, आप चूज कर लेना आपके अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर आप जेंडर चूज कर सकते हो कि मतलब आपका जो ये स्पॉन्सर्ड जो पोस्ट होगा वो सिर्फ मेंस को दिखना चाहिए या वुमेन को दिखना चाहिए या फिर दोनों को दिखना चाहिए, तो आप जो भी आपको रखना है यहाँ से चूज कर लेना। ठीक है,
मैन वुमेन जो भी रखना है चूज कर लीजिएगा। देन नीचे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आओगे तो देखो ऑडियंस हमारा चूज हो चुका है। अब ये टोटल बजट आपको दिखाएगा, इसको यहाँ से जो है आपको एडजस्ट करना होगा। जैसे कि मैंने बताया फेसबुक आपको फ्री में प्रमोट नहीं करता है, आपको पैसे पे करने होते हैं। तो यहाँ से अब आपको अपना एड टारगेट एड बजट सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि देखो आपका अगर बजट ज्यादा सपोर्ट करता है तो आप ज्यादा दिन तक भी एड रन करवा सकते हो। तो इसका जो व्यूज कितना मिलेगा, कितने लोगों तक रीच जाएगा, वो फेसबुक यहाँ से आपको शो कर देगा। और ये एक जेन्युइन तरीका होता है, इससे अगर आप बूस्ट करते हो तो इसमें फेसबुक को कोई दिक्कत नहीं होता है। फेसबुक एड कैंपिंग पर ही आप अपना फेसबुक का पेज या प्रोफाइल को प्रमोट कर रहे हो, रील को प्रमोट कर रहे हो, तो उसमें फेसबुक का भी बेनिफिट है और एक जेन्युइन मेथड होता है। कोई ऐसा थर्ड पार्टी वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक एप्लीकेशन से ही हो रहा है सब कुछ। ओके, यहाँ से मैं फिलहाल जो है सिर्फ आप यहाँ पर मैं लो बजट रख रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप 20,000 तक का रख सकते हो, इसमें भी आपको खतरनाक रीच मिलने वाली है। बट इतना तो स्पेंड हर कोई जो है इतना बड़ा अमाउंट नहीं कर सकता, तो मैं फिलहाल मैं तो भाई जो है सबसे कम रखूंगा 90 रुपीज। आपका बजट सपोर्ट करता है तो आप ज्यादा भी यहाँ पर लगा सकते हो, जितना ज्यादा पैसे पे करोगे फेसबुक को, फेसबुक उतना ही ज्यादा आपको रीच देगा। ओके, यहाँ पर ड्यूरेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने दिन आप एड रन करवाना चाहते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। प्लस आइकन पर टैप करके आप दिन बढ़ा भी सकते हो या फिर कम भी रख सकते हो। अभी आपको दिखाएगा कि आपका एड कब तक चलेगा, यानी कि आज अगर आप करते हो तो इसके बाद 24 आवर्स के लिए रिव्यू में रहता है। देन दूसरा दिन आपका एड स्टार्ट होगा, दूसरे दिन यूजर्स को दिखना स्टार्ट होगा। कहाँ से देखोगे इंसाइट वगैरह वो तो बात करेंगे ही। अब नीचे देख लेते हैं प्लेसमेंट, कि आप फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर भी एड रन करवाना चाहते हो, मीन्स इंस्टाग्राम पर भी एड दिखेगा, मैसेंजर पर भी यूजर्स को दिखेगा, तो दोनों टिक मार्क रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर जो है हटा देना। मैं फिलहाल फेसबुक पर ही कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों ही रख सकते हो। ओके, मैसेंजर दोनों ही रख सकते हो। पेमेंट मेथड, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है कि आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि फेसबुक फ्री में प्रमोट नहीं करेगा। यहाँ पर आपका पूरा समरी आ जाएगा, मैंने 90 रुपए का एड लगाया है, बट इसमें भी 16 रुपए का एक्स्ट्रा GST चार्ज लगता है, तो टोटल 106 रुपीज मुझे पेमेंट करना होगा। तो आपको करना क्या है, एड मनी पर टैप कर देना है, देन यहाँ से आपको फेसबुक को पेमेंट करना होगा, तभी आप बूस्ट रील कर पाओगे। यहाँ से जो है मैं पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 110 रुपीज, क्योंकि 106 मुझे पे करने हैं। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, पेटीएम का सब कुछ सपोर्ट मिल जाता है। जो भी आपको रखना है यहाँ से आप चूज कर सकते हो, जो जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है, आपको एक ब्राउजर पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपने फेसबुक को जो है पेमेंट करना होगा, तभी वो फेसबुक आपको प्रमोट करता है। यहाँ पर मैंने UPI के थ्रू कर रहा हूँ, तो मैं अपना UPI ID एंटर कर देता हूँ। ठीक है, UPI ID को मैंने एंटर कर दिया है, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा जिस भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर रहे हो। मैंने UPI ID डाला है तो मुझे फोन पे को ओपन करना होगा, देन वहां से पेमेंट करना होगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ करना रहेगा। तो गाइस मैंने फोन पे को ओपन किया है, तो यहाँ पर मुझे रिक्वेस्टेड बाय फेसबुक ऐसा लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे इसको जस्ट सिंपल पे करना होगा। तो पेमेंट डन करके मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। दोस्तों सक्सेसफुली मैंने पेमेंट कर दिया है, आपको डन कर देना होगा। देन नीचे से आपको फिर से जाना होगा वापस से ब्राउजर के अंदर, तो आपको फेसबुक से बाहर फेंक देता है। कि अगर किसी कंडीशन में आपको ऐसा एरर देखने को मिलता है तो बिल्कुल भी आपको यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको फिर से अपने फेसबुक के जो प्रमोशन वाले पेज पर आ जाना है, तो आपका फंड ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी रीजन से आपका फंड फिर भी ऐड नहीं होता है तो जो भी आपने प्रोसेस किया वो एक बार कर देना। ठीक है, फिलहाल मेरा फंड ऐड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस 112 रुपीज ऐड हो चुका है, 2 रुपीज मेरे पास पहले भी थे और फिर से आप जो है 110 मैंने डाला, 112 हो चुके हैं। अगर आपका फंड ऐड नहीं होता है तो एक बार सब कुछ क्लोज कर देना, फिर से एक नया फेसबुक को मतलब फिर से फेसबुक को ओपन करके जो भी प्रोसेस किया आपको फिर से सेम प्रोसेस कर लेना है, तो सक्सेसफुल आपका फंड ऐड हो जाएगा। ओके, आप बूस्ट पोस्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बूस्ट पोस्ट नाउ करोगे तो आपका जो ऐड है वो फेसबुक रिव्यू के अंदर ले लेगा, फेसबुक रिव्यू करेगा कि आपके ऐड के अंदर कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तब जाके फेसबुक उसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद ही जो आपका स्पॉन्सर्ड पोस्ट है वो बाकी के यूजर्स को देखना स्टार्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा ऐड जो है फिलहाल अंडर रिव्यू में जा चुका है, योर ऐड इज अंडर रिव्यू। यहाँ से मुझे सब कुछ देखने को मिलेगा, देखो मैंने बजट वगैरह सब कुछ लगाया है, यहाँ मुझे कितना फायदा हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, वो सब कुछ मैं यहाँ से एनालिटिक वगैरह चेक करवाऊंगा जब भी मेरा ऐड अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से इसी प्रोसेस के थ्रू अपने फेसबुक रील्स को यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। ज्यादा अमाउंट स्पेंड करोगे तभी आपको बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। आई होप आप पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच, आप सबने वीडियो को यहां तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।